और बहादुरगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर जमकर बरसे अभय चौटाला। दुष्यंत चौटाला पर अभय चौटाला ने गंभीर आरोप लगाए। बुढ़ापा पेंशन को लेकर इनेलो सड़कों पर उतरेगी। 5 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी इनेलो। तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने निशाना साधा। सरकार पर भी जमकर बरसते नजर आए अभय चौटाला। बुढ़ापा पेंशन की बात को लेकर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। 5 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर इनेलो के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी जेजेपी बड़े चतुर, वो भी ये कहेगा कि सबसे ज्यादा माल अगर किसी ने कमाया तो उस व्यक्ति का नाम दुष्यंत चौटाला है, जिसने चौधरी देवीलाल की नीतियों को तो गिरवी रख दिया और पैसा खा करके उनके नाम को भी कलंकित करने का काम किया। छाल तो बोले सो बोले, छाजनी भी बोलने लगी, वो भी ये कहने लगे। इनके ऊपर तो इतने आरोप हैं पैसे खाने के। ये तो विधानसभा में मुझे, जब मैं इनकी चर्चा करता हूं तो कई लोग तो खड़े होकर निकले जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार दिग्विजय जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। दिग्विजय जी, जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष में होते हैं वो विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। अभय चौटाला इनेलो के विधायक, उनका कहना है कि वो बुढ़ापा पेंशन के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने, आपकी पार्टी ने ताऊ देवीलाल के नाम को खराब किया है। जिस योजना को वो लेकर आए थे उसको एक तरीके से उनका इशारा कि खत्म करने की कगार पर, इस तरह से वो, और इसको लेकर प्रदर्शन भी करेंगे वो। नहीं, ऐसा कोई विषय हरियाणा में है ही नहीं। शुरू में कुछ इस तरह की बात आई थी कि पेंशन कटने की, तो हमने इस बात को क्लियर कर दिया था कि जो कोई भी किसी फैमिली आईडी के कारण या किसी और विषय से अगर पेंशन कटी है वो बहाल होगी। ना केवल बहाल होगी बल्कि सूद समेत, ब्याज समेत सब बुजुर्गों को वो वापस लौटाई जाएगी। कहीं कोई एक भी पेंशन नहीं कटेगी जब तक हम सरकार में बैठे हैं। इस बात को लेकर के आज भी हम, मैं आपके चैनल से भी सभी हरियाणा की जनता को रेस्ट अश्योर करना चाहता हूँ। अच्छा दिग्विजय जी, अभय जी बार बार, अभय चौटाला ये कहते रहते हैं कि जेजेपी नेताओं ने, आपकी पार्टी के नेताओं ने उन नीतियों को बिल्कुल अलग कर दिया जो ताऊ देवीलाल की नीतियां थी, और उनको उनका नाम खराब कर रहे हैं, और आप तो आपका नाम, जबकि आपकी पार्टी का नाम ताऊ देवीलाल के नाम पर है। वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हुए और क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ ना सिर्फ, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? अभय चौटाला दुष्यंत चौटाला जी की बड़ाई कर सकते हैं क्या? वो तो सुबह से शाम तक उनको दुष्यंत सपनों में नजर आते हैं, और ये बड़ा हास्यास्पद सा है। अब वो ये कह रहे हैं कि इनने भ्रष्टाचार किया, तो भ्रष्टाचार किया, आप एमएलए हैं, आप एमएलए हैं, आप जाकर के विधानसभा में बताइए ये भ्रष्टाचार है, उठाइए उस बात को, कोई अगर आपके पास एविडेंस है, कोई प्रूफ है तो सामने रखिए। कैसी बात है, ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात। विपक्ष अगर सड़कों पर उतरता है सरकार के खिलाफ तो उसको किस तरह से देखा जाए? विपक्ष हरियाणा में बचा ही नहीं। आपने देख लिया कि हरियाणा के जो लीडर ऑपोजिशन है, मैंने तो ये बात आपके चैनल पे बहुत पहले कही थी, राज्यसभा के चुनाव में क्या होगा जी, ठीक वैसा ही हुआ, हुआ कि नहीं हुआ ना सर? और मैं आज भी कह रहा हूँ ये ऑपोजिशन बचा ही नहीं है, ये तो सब लोग छुपते फिर रहे हैं और सेविंग द फेस हो रहा है। बाकी ऑपोजिशन नाम की कोई चीज हरियाणा में अब नहीं बचेगी। इनेलो अगर सड़कों पर उतरती है, 5 तारीख का उन्होंने ऐलान किया है कि हम अलग अलग जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। सबको अधिकार है, कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है जी, डेमोक्रेटिक राइट है ये उनका, ये मेरा भी राइट है, आपका भी राइट है, आप भी सड़क पे उतर सकते हैं। क्या क्या फर्क पड़ेगा इनेलो के प्रदर्शन से? इनेलो को आप किस स्थिति में देखते हैं आज? मैं इन सब चीजों पर चर्चा करके समय जाया आपके चैनल का नहीं करना चाहूंगा, कोई काम की बात होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनेलो पर चर्चा करना समय बर्बाद करना है? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव चीजों की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। कहीं कोई अगर कोई विषय है, कोई सबूत है, कहीं कोई भ्रष्टाचार अगर हुआ है उसके सबूत है तो उस पर बात होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। हवा हवाई बातें, मैं कह दूं कि नासिर जी आपने बहुत बड़ा करप्शन किया है, अब आप मेरे से तो पूछेंगे ना भाई क्या किया है, उसका कोई प्रमाण तो दीजिए। शुक्रिया दिग्विजय जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो अभय चौटाला का कहना है कि वो सड़कों पर उतरेंगे कई मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि प्रमाण होना चाहिए हर एक चीज का, हवा हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता।